हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो यहाँ पर मेरे मॉर्निंग के काम चल रहे हैं, साथ ही मैं गई थी मॉर्निंग में छत पे, तो वहाँ पर लगी हुई थी ये हरी हरी सब्जियाँ, तो मैंने सोचा चलो आज इसी को बनाया जाए। तो ये मैं काट के लेकर आई हूँ, और इसके अलावा भी पापा ने कई सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं छत पे, जैसे कि बैंगन है, मूली है, प्याज है, जो भी आए नहीं आ रहे हैं, और इसके अलावा भी एक दो चीज़ें और लगाई हुई हैं, मुझे पता नहीं है वो क्या है। तो जितना भी ये ग्रीन जो साग था वो मैं ले आई हूँ, और अब इसमें लगाऊंगी मैं तड़का। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गढ़वाली तड़का, मतलब कि जख्या का तड़का। जो लोग गढ़वाल से हैं उनको पता होगा जख्या क्या होता है, ये और कहीं नहीं मिलता, मतलब मेरे हिसाब से और कहीं नहीं मिलता, मैंने कभी देखा नहीं कहीं और मिलते हुए। ये यहाँ पर मैं डाल दूँगी हरी मिर्च, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी, बस सब्ज़ी डाल दूँगी और बाद में डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, और सब्ज़ी फटाफट से बन जाएगी। हरी सब्ज़ियाँ ना बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। मॉर्निंग का मेरा सारा काम हो गया है, और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी दिवाली की शॉपिंग। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, बट फिर भी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने रिसेंटली अभी गई थी उत्तम नगर, वहाँ पर एक गली है कुम्हार गली, जहाँ पर मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब स्पेशली दिवाली में वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। वैरायटी इतनी सारी है उन लोगों के पास, मतलब क्या बताऊँ। अपना आपको थोक के भाव सामान मिल रहा था, तो मुझे तो रिटेल में परचेस करना था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ परचेस नहीं, ज़्यादा वो चीज़ें रिटेल में नहीं दे रहे थे, तो मैं फिर भी वहाँ से कुछ चीज़ परचेस करके लाई हूँ, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। सो पहले मार्केट दिखा देती हूँ, थोड़ा सा वीडियो मैंने इसमें एडिट किया है। तो यहाँ पर ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी, ये जोड़ा इतना प्यारा था, और यहाँ पर मिल रही थी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और रीज़नेबल प्राइस पे भी थी कुछ कुछ। और उसके साथ ही आपको मिल रहे थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलरफुल दिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिंपल दिए भी थे यहाँ पर, सिंपल दिए यहाँ पर 10 के 12 मिल रहे थे, और बाकी जो दिए थे उन सबका प्राइस अलग अलग था। यहाँ पर ये वाटर फाउंटेन मिल रहा था, और कई सारे मिल रहे थे इस टाइप के। मेरा बहुत मन था लेने का, लेकिन मेरे पास ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो मैं वहीं छोड़कर आ गई से। ओके, सबसे पहले मैंने ली है गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति, ये है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये जो मुझे प्राइस इसका पड़ा, वो मुझे पड़ा 50 रुपीज़, और बहुत ज़्यादा प्यारी है, छोटी सी है। एंड उसके बाद फिर मैं लेकर आई हूँ कुछ कलर्स रंगोली के, तो मैं सोच रही थी थोड़े बहुत ना राइस वगैरह से या आटे वगैरह से भी हम लोग रंगोली बना लेंगे, तो ज़्यादा मैं कलर नहीं लेकर आई। देन उसके बाद मैंने परचेज किए हैं ये 3 मेन जो लगाते हैं ना गेट पे, शुभ लाभ और शुभ दीपावली, वो सारे, तो ये मैं 3 लेकर आई हूँ 3 गेट्स के लिए। और इसके बाद मैंने परचेज किए हैं कुछ दिए, तो दिए मैंने इस पर ही बहुत सारे लेकर आई हूँ, सिंपल से दिए हैं, और ये कुछ मटकी टाइप लेकर आई हूँ, ये मैं डेकोरेट करके अपनी बालकनी में लगाऊंगी, कब लगाऊंगी पता नहीं, बिकॉज टाइम हाथ से निकलता जा रहा है। एंड देन वहाँ पर मुझे ना एक बहुत ही क्यूट सा ये छोटा सा सेट दिखाई दिया, ये मैंने परचेज किया है, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा टी सेट है, और ये मुझे मिला है वहाँ से 60 रुपीज़ में। ये मुझे ना पहले भी एक बार दिखाई दिया था, तो वो भी 60 रुपीज़ का ही बोल रहे थे भैया, बट तब मैंने परचेज नहीं किया, मुझे लगा शायद थोड़ा सस्ता मिल जाएगा एक बार, बट नहीं मिला। तो ये एक टी सेट है, मतलब पूरा इस तरीके का कप, इस तरह की कैटल है एक, और इतने छोटे छोटे से कप हैं क्यूट से, और इनके साथ मुझे प्लेट भी रिसीव हुए हैं, तो 1 2 3 4 कप प्लेट का सेट है ये, इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसको मैं अपने सेंटर टेबल पर डेकोरेट करने के लिए सोच रही हूँ, कि देखो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो मैं सोच रही थी कब मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और उसके बाद कब मैं फटाफट से उसे डेकोरेट करूँ। सो अभी मैं शेयर कर रही हूँ, तो अभी फटाफट से मैं इसे डेकोरेट भी कर दूंगी। इसके अलावा मैंने परचेज किया है एक छोटा सा, ये सारे मैंने ना मिट्टी वाली गली से परचेज किया है। उसके बाद मैंने ये परचेज किया है एक छोटा सा पेयर, मतलब एक गुड्डे गुड़िया का, वो ऐसे जिनके नेक ऐसे राउंड राउंड हिलते हैं ना, वो मुझे मिला नहीं, मुझे वो चाहिए था तो वो नहीं मिला मुझे, तो मैंने ये परचेज किया। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, इसको मतलब मैं चाहूँ तो कलर भी इसका चेंज कर सकती हूँ आराम से बाद में, फिलहाल ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। अगले से मैंने यही सारी चीज़ें परचेज करी हैं, और भी चीज़ें करनी थी बट टाइम नहीं था, लेट हो रहा था। तो हमारे ना जस्ट दो गली छोड़ के पीछे भी एक शॉप है, जहाँ पर ऐसे मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पर मैं जाऊँगी, तो अपनी बालकनी के लिए कुछ ना कुछ 2-3 चीज़ें और लेकर आऊँगी। इसके अलावा जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, मतलब कि इस तरीके की रंगोली, तो ये मैं लेकर आई हूँ 2, और एक ये छोटी सी। तो कुछ रंगोली हम अपने हाथों से ही बनाएंगे, तो इसलिए मैं बस इतनी रंगोली लेकर आई हूँ, और 2 लेकर आई हूँ मैं ये शुभ लाभ स्टिकर्स, ये भी लगाने हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी टाइम बाद परचेज़ किए हैं ये फेक फ्लावर, तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे, तो ये मैंने परचेज़ किए, और ये ऑनलाइन थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव लग रहे थे, तो मार्केट से मैंने ये 100 रुपीज़ में 2 परचेज़ किए हैं। इसके अलावा मार्केट में, मतलब वहाँ से निकलने के बाद मार्केट में मुझे मिले ये मैट राउंड इस तरीके के, बहुत ही प्यारे लग रहे थे,
तो ये इस पर इस तरीके का कुछ प्रिंट बना हुआ है, तो ये भी सेंटर टेबल पे रखने के लिए या साइड टेबल पे रखने के लिए काफी अच्छा है। तो इस तरीके की मैं दो पर्चेस करके लाई हूँ, एक ये है, दूसरा है ये, थोड़ा सा गंदा हो गया, मैंने इसे अपने सेंटर टेबल पर यूज कर लिया था, मैं देखती थी कैसा लगता है। तो दूसरा है ये, और 150 रुपीज में, हाँ 150 रुपीज में मुझे ये दो मिले। बाद मैंने परचेस किए हैं ये, तो ये मैंने ना थोड़े मतलब पहले परचेस किए थे, ये मैंने अभी परचेस नहीं किए, ये मैंने अभी एक वीक पहले ही परचेस कर लिए थे, तो ये मुझे ना कुछ सही सही पड़ गए थे, मतलब 100 रुपीज में दो या ऐसे ही कुछ पड़ गए थे, मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। तो इस तरीके की सेम दो हैं मेरे पास। इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ इस टाइप की लटकन, तो ये भी ना मुझे मतलब चार मिल गई थी, अच्छे खासे प्राइस में मिल गई थी, 100 में या 150 में मुझे ये चार मिल गए थे। अभी तो ये 150 का जोड़ा दे रहे हैं, मतलब कि दो पेयर दे, मतलब कि एक पेयर दे रहे हैं 150 का, तो ये मुझे उस टाइम पे मिल गया था। तो दिवाली से ना कभी कभी पहले भी शॉपिंग कर लीजिए, तो अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये सेम टू सेम मुझे चार मिले हैं। अब मैंने परचेस किए हैं ये टू मोर फेक फ्लास्क, तो इस बार ही मैं सोच रही थी कि फिर फ्लास्क ज्यादा ले जाती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत टाइम पहले एक बार ही परचेस किए थे, उसके बाद मैंने नहीं किए, तो ये मैंने परचेस किए हैं। और ये भी मैंने ना ऑनलाइन देखे थे, तो मुझे ना थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे थे। ये मैंने 100 रुपीज में टू, मतलब कि फोर स्टिक हैं ये, दो दो स्टिक है इसके अंदर, तो ये 100 रुपीज में मुझे फोर रिसीव हुए हैं। और इसको रखने के लिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मुझे ये दिखाई दिया, तो ये मैंने परचेस किया। ऐसा सिंपल सा है, ये कुछ नहीं है, ये जो प्लाई बच जाती है ना छोटी छोटी, उसका बना हुआ है। और ये मुझे पड़ा है 150 रुपीज का, कहीं पे 200 का भी मिल रहा था। मैंने जब मार्केट जाती हूँ तो क्या करती हूँ, पूछती रहती हूँ कहीं पे तो कुछ कम प्राइस में मिलेगा, तो ये मुझे 150 में मिल गया, अदरवाइज वो भैया ना 200 से बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे। तो ये फ्लावर्स मैं उल्डी में रखने के लिए लेकर आई हूँ, उसके साथ कुछ कैंडल्स रखूंगी। अब मैं फटाफट से जगह पे प्लेस कर देती हूँ अच्छे से, तो ये मेरी आज की छोटी सी शॉपिंग, मैं फटाफट ये रहता है यहाँ से समेट लेती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।